अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आप लोगों को जैसे पता है कि मेरे फिंच ने जो अंडा दिया था, तो आज उसको 14-15 दिन हो गए। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वो देर से डाली थी, तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि मैंने जो है जल्दी से आप लोगों को दिखा दी। तो अभी 14-15 दिन हो गए। अब जो मैं इधर यहाँ पर इसको आज चेक करता हूँ कि बच्चे निकले हैं या नहीं निकले। वो जो ये वाली मटकी है इसमें अंडे नज़र नहीं आ रहा होगा, और एक उस तरफ ऊपर वाली की तरफ उसमें भी अंडे हैं, और एक इस तरफ लगा हुआ है उसमें भी अंडे। वो तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इन तीनों मटकियों में जो है वो 14-15 दिन हो गए, और एक नीचे की तरफ लगा हुआ है उसमें नए अंडे दिए, और एक यहाँ पे प्याला लगा हुआ है उसमें नए अंडे दिए। इन दोनों को चेक नहीं करूँगा मैं, इन तीनों को चेक करूँगा कि बच्चे निकले या नहीं निकले। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ और अंडे चेक करता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखें, एक वो जो ऊपर लगी हुई है ऊपर, ये वाली ऊपर, वो चेक करूँगा, नीचे वाली चेक नहीं करूँगा। नीचे वाले में अंडे नहीं दिए। और एक ये लगा हुआ इसको चेक करूँगा, और एक कोने पे प्याला लगा हुआ ये रहा इधर, ये रहा, इस पर चेक करूँगा। तो जल्दी से करता हूँ, इससे पहले फिंचर डरी है। अंदर आ गया हूँ मैं, सबसे पहले मटकी चेक करते हैं नीचे वाली, इसमें न्यू अंडे ये देखें, इसमें 4 अंडे, ये न्यू अंडे। अब इस ऊपर वाली चेक करते हैं, ये इसमें 15-16 दिन हो गए इसमें से, ठीक है, नहीं निकले। मुझे ये अंडे ख़राब लग रहे हैं, इसकी मैं कैंडलिंग करूँगा, उसकी भी वीडियो आप लोगों को बना के दिखा दूँगा कैंडलिंग कैसे करते हैं। अब दूसरी जो है वो गत्ते वाली चेक करते हैं कि उसमें क्या है, इसमें से तो नहीं। गत्ते वाली में चेक करते हैं, इसमें इसको भी पूरा दिन हो गए दिए हुए, 4 अंडे इसमें देखें नहीं निकले। ये भी अंडे मुझे ख़राब लग रहे हैं, इसकी भी कैंडलिंग कर लूँगा। अब एक मटकी बची है उसमें चेक करते हैं, ये इसमें देखें, हाँ इसमें देखें बच्चा निकला हुआ है माशाल्लाह, एक बच्चा है, अभी अभी निकला है शायद, या 1-2 घंटे पहले। अब इसको थोड़ा सा हिला के देखता हूँ, हाँ ये देख निकला हुआ है। मैं जल्दी से निकल जाता हूँ वरना फिंचे डर जाएंगे। मैंने जो है वो अंडे चेक कर लिए हैं, उसमें एक में जो है वो बच्चे निकला हुआ है, बाकी में दो में जो है वो अंडे शायद अभी नहीं निकला है। तो मैं उसकी जो है कैंडलिंग कर लूँगा, तो उसको अभी मैं निकालूंगा अंडे को और उसकी कैंडलिंग करूँगा, उसकी वीडियो अलग आएगी, उसकी वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। एक बच्चा निकला है, अब उसकी अच्छे से केयर करेंगे। बाकी जो दो न्यू अंडे दिए हैं दो मटकियों में, एक में शायद 4 अंडे और एक में 2-3 अंडे, उसको इंशाल्लाह उसमें से निकल जाएंगे बच्चे, उसमें से मुझे उम्मीद है निकल जाएंगे। तो बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।